यहां के पानीपत जिले से अपहरण का एक चुकाने वाला मामला सामने आया है। महज 600 रुपये न चुकाने जाने पर एक 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। पुलिस को शिकायत मिलने पर बच्चों को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। जानकारी के मुताबिक एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर ठेकेदार ने 600 रुपये न चुकाने पर मजदूर के बेटे को अगवा कर लिया। मासूम के पिता ने बताया कि उन्हें ठेकेदार से 1200 रुपये उधार लिए थे। पीड़ित मेजर आलम ने बताया कि पति पत्नी सोमवार को बेटे को घर पर अकेले छोड़ दिहाड़ी पर गए थे और तब ठेकेदार महेश कुमार ने 4 साल के बेटे शाहिद आलम को उठा कर ले गया। मकान मालिक ने उन्हें फोन करके बेटे को उठा ले जाने की बात बताई। वहीं बच्चे के पिता ने बच्चे के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया। भाई साहब हमारा काम पे गए थे, मियां बीवी दोनों आदमी, और दोनों आदमी काम पर गए, एक मेरा छोरी है, उसके बाद में छोरी को आंगनबाड़ी के मैडम आ गई तो मैडम लेके चली गई, आ कमरा खुला था, एक मेरा छोरा सोया हुआ था, और वो आया मेरे छोरे को उठा के अपने कमरे में लेके चला गया, आ कमरा बंद कर दिया, 2 थप्पड़ मारा भी, आ कमरा बंद करके हम लोग को कुछ पता नहीं था, मैं काम पे गया था, उसके बाद में मेरे को पता लगा, मैं काम छोड़ के हट देना आया, उसको 1200 रुपया था, तो विश्वकर्मा पूजा का दिन आया, बोलता है आलम भाई तू हमारे को पैसा दे दो, मैं बोला ऐसा बात है भाई इस टाइम 600 रुपया है, 600 ले जा, और मेरा हाथ टूट गया है, हाथ जब अच्छा हो जाएगा फिर मैं तेरे को 600 रुपया दे दूँगा, हाँ उठा लिया, हम लोग को किसी को पता नहीं था। फिर मेरे बीबी आई रोटी खाने के लिए तो बच्चे को ढूंढने लगी, फिर यहाँ सब आए, यहाँ आठमरला चौकी में फिर यहाँ आई फायर दर्ज कराए, उसके बाद में सब प्रशासन ने खोने लगे, पूरे खड़ी बस्ती शास्त्री कॉलोनी इधर आठमरला पूरा छान मारे। वहीं डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि पिता की शिकायत पर एक्शन लेते हुए बच्चों को बरामद कर लिया गया और ठेकेदार महेश के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं डीएसपी ने बताया कि मामले की आगामी जांच कर रहे हैं। देखिए जो मुलजिम है उसने कुछ पैसे लेने थे तो कल उसने बच्चे को उसके घर से ले लिया और उसको लेकर कहीं चला गया, तो हमने इस संबंध में 365 IPC का मुकदमा दर्ज किया है और उसको अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बच्चा बरामद कर लिया है और अगला एक्शन ले रहे हैं। इनका कुछ 1200 रुपये का लेन देन था तो उसने पहले भी धमकी दी थी इसके पेरेंट्स को बच्चे के, तो उस संबंध में हम सारा मामला अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसको आरोपी को कल ही अरेस्ट कर लिया था और अभी उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं।